हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आगे क्लासेस क्या चलने वाली हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों का आ जाएगा कि आगे आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो किस तरीके से रहने वाली हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो किस तरीके से चलेंगी, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों की जो क्लासेस का टाइम टेबल इस वजह से नहीं आ पाया बिकॉज मैं 2 दिन से यहाँ पर थी नहीं घर पर, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और वहीं से मैं आप लोगों की क्लासेस ले रही थी बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का कोई भी गैप हो क्लासेस में, इस वजह से मैं वहीं से क्लासेस ले रही थी। बट आज मैं अपने घर आ चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पर आके आप लोगों का आज टाइम टेबल जो है वो बना दिया है प्रॉपर। अब आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की क्लासेस चलेंगी और सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि आप लोगों की अब दो दो क्लासेस हो जाएंगी, मतलब डेली अब आप लोगों की दो दो क्लासेस रहेंगी। उसके साथ ही आप लोगों का टाइम क्या रहने वाला है दोनों क्लासेस का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप लोग अपना एग्ज़ाम पेपर किस भाषा में देंगे, मतलब हिंदी में लिखेंगे या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, या बाईलैंग्वेज आपका पेपर आता है और आप लोग जो आंसर है वो बाईलैंग्वेज लिख सकते हैं, इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे बिकॉज आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं और जो BTC कर रहे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पेपर जो है वो हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में दें, तो उनका भी आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, फाइनली जो इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे और आप लोग भी इतने ज़्यादा परेशान थे, तो फाइनली आज आप लोगों का टाइम टेबल जो है वो आ चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल। इसी वजह से आज आपकी क्लास भी थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज मैंने ये पूरा तैयार किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। तो चलिए फटाफट बहुत सारी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर का 2021 का टाइम टेबल, किस तरीके से आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। और आप लोगों को जो ये लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक एग्ज़ाम आएंगे, तो देखिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से शेयर कर दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के एक महीने पहले मैं आपका सिलेबस जो है वो सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगी। उसके साथ ही आप लोगों की और जो एक्स्ट्रा रिवीजन है वो भी मैं कराऊंगी, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों को। आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक और आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाले फरवरी में, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थिंक एग्ज़ाम के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर ये आप लोगों का कोविड वगैरह जो वेरिएंट है वो अगर नहीं आता है, तो फिर अगर वो आ जाता है तो फिर हम सभी को पता है कि पता नहीं आगे क्या चीज़ें रहेंगी। बट अभी जो मैं बता रही हूँ, अभी आप लोगों के अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप लोगों के होने के चांसेस हैं एग्ज़ाम के, तो तब तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो सारा कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगी, तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और क्लासेस दो दो हो गई हैं तो और अब आपकी क्लासेस जो हैं वो 1 घंटे डेली क्लासेस चला करेंगी, तो इस बात में आपको थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पर 1 घंटे प्रॉपरली तरीके से पढ़ लेते हैं और 10-15 मिनट का रिवीजन कर देते हैं तो इनफ है DLED के लिए। DLED के लिए अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपके लिए इनफ होगा बिकॉज इसके अलावा आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 साल अभी आपके पास है और मैं सारा आपको टैट या CTET लेवल का लेके चल रही हूँ, जिससे कि आपको ऐसा भी नहीं है कि आगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बना रही हूँ जिससे कि आपको टैट और CTET में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग को डेली अपना 1-1.5 घंटा देना है, उससे आप अगर अभी कंटिन्यू आप लोग 1.5 घंटे देते रहते हैं ना तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। आपकी क्लासेस जो है वो इवनिंग में रहने वाली हैं, मतलब इवनिंग या नाइट आप कह सकते हो, तो इसमें आपकी क्लासेस रहेंगी जिससे कि जो बच्चे कॉलेज भी जाते हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं हो। साथ ही आप लोग शाम को फ्री हो जाते हैं तो आप लोग खाना वाना खा के या क्लास के बाद खाना वगैरह खा सकते हैं, तो उस तरीके से मैंने सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए बहुत सारी आज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, बातें भी हो गई इसी बहाने, तो चलिए देखते हैं आगे क्या रहने वाली है आगे की प्रोसेस। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि अब आप लोगों की मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज आप लोग मैथ की क्लासेस के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब मैथ की क्लास आएंगी, तो आप लोगों की मैथ की क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। टाइम टेबल में आपकी मैथ की क्लास होगी जिसके लिए आप लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टाइम टेबल देखेंगे क्या रहने वाला है आप लोगों का अब आगे टाइम टेबल। तो आप लोगों के जो DLED फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टोटल आप लोगों के 8 सब्जेक्ट हैं, तो अब आपकी 8 सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी पूरे हफ्ते में।
उसके बाद आगे देखते हैं, मंडे को आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, तो मंडे को आप लोगों की बाल विकास की क्लास रहेगी। मंडे को आप लोगों की बाल विकास की क्लास रहेगी। बाल विकास का जो पेपर है वो आप लोगों का 50 मार्क्स का पेपर आता है और ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर है, साथ ही इसमें टाइम भी बहुत कम होता है। डीएलएड के सभी एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम होता है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है, साथ ही अपनी स्पीड जो है वो फास्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों को अपनी राइटिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो बाल विकास का पेपर है वो आप लोगों का 50 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोगों की मंडे को बाल विकास की क्लास रहेगी, उसके साथ ही आप लोगों की कंप्यूटर की भी क्लास रहेगी। कंप्यूटर का पेपर आप लोगों का 25 नंबर का होता है और ये पेपर जो है ये थोड़ा सा आप टफ भी कह सकते हो जिन बच्चों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, जिन्हें नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप लोगों ने 7th 8th के बाद आप लोगों ने आई थिंक संस्कृत और कंप्यूटर छोड़ दिया होगा तो इस वजह से, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल नॉलेज होगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें बताऊंगी तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट है, बट आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो मैं बहुत प्रॉपर बेस के साथ आपको पढ़ाऊंगी, तो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोगों की मंडे को रहने वाली है बाल विकास की क्लास, उसके साथ ही आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास रहेगी। आगे देखते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे को भी आपकी दो क्लासेस रहेंगी। यहाँ आपकी मंडे को दो क्लासेस हैं, ट्यूसडे को भी आपकी दो क्लासेस रहेंगी। फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी गणित की रहने वाली है, मतलब मैथ की क्लास रहेगी। मैथ का जो पेपर है वो आप लोगों का 25 मार्क्स का आता है और दूसरी क्लास जो है वो आप लोगों की साइंस की रहने वाली है। तो साइंस की जो क्लास है उसका भी पेपर आप लोगों का 25 नंबर का पेपर आता है, जिसको कि आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज मैथ वाले बच्चे जो हैं उनका मैथ तो ठीक होता है बट उन्हें भी प्रॉपर चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। और साइंस तो सभी बच्चों को पढ़ना है, जिसका साइंस स्ट्रांग है उनको भी पढ़ना है, उसके साथ ही जिन बच्चों के साइंस नहीं पढ़ी जो मैथ वाले बच्चे हैं वो भी साइंस पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ से आपके टेट और सीटेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंस में आप लोगों की केमिस्ट्री भी रहेगी, फिजिक्स भी रहेगी और उसके साथ ही आप लोगों की बायो भी रहेगी। ये तीनों चैप्टर आप लोगों के इसमें रहेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं वेनसडे की, तो वेनसडे भी आपकी दो क्लासेस रहेंगी। वेनसडे में आप लोगों की सबसे फर्स्ट क्लास जो रहेगी वो शिक्षण अधिगम की क्लास रहेगी, जिसका पेपर जो है वो 50 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद आप लोगों की संस्कृति क्लास रहने वाली है और संस्कृति क्लास का जो एग्ज़ाम पेपर है वो आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है संस्कृत का। तो आप लोगों ने तीन क्लासेस देख ली, मंडे को बाल विकास और कंप्यूटर की क्लास रहेगी, उसके बाद आप लोगों की ट्यूसडे को मैथ और साइंस की क्लास रहेगी, उसके बाद वेनसडे को आप लोगों की जो शिक्षण अधिगम है और संस्कृति क्लास रहने वाली है। जो भी आप लोगों को क्लासेस में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी चीज़ों का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों की सॉल्व करूंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आएंगी। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे को भी आप लोगों के दो सब्जेक्ट जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला होगा इसमें सामाजिक अध्ययन और दूसरा है आप लोगों का हिंदी। सामाजिक अध्ययन का पेपर जो है ये आप लोगों का 50 नंबर का पेपर होता है, उसके साथ ही हिंदी का जो पेपर है वो आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है। ये दो सब्जेक्ट जो है ये हम लोग थर्सडे को डिस्कस करेंगे, सामाजिक अध्ययन का और हिंदी का। सामाजिक अध्ययन, शिक्षण अधिगम और बाल विकास, ये तीन जो सब्जेक्ट हैं इनका जो पेपर है बहुत ज़्यादा लेंदी आता है, साथ ही इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ता है और टाइम आपके पास बहुत कम रहता है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और इनके जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स के पेपर आप लोगों के होते हैं, तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं। तो फ्राइडे को भी आप लोगों की दो क्लास रहने वाली है। फ्राइडे को आपकी फर्स्ट क्लास जो है वो मैथ की रहेगी और सेकंड क्लास जो है वो साइंस की रहने वाली है। मैथ का 25 नंबर का पेपर होता है और साइंस का भी 25 नंबर का पेपर होता है। अब बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे की आप लोगों की जो क्लास है वो दो रहने वाली है। पहली तो बाल विकास की क्लास रहेगी, दूसरी आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास रहेगी। बाल विकास का पेपर जो है वो 50 नंबर का आता है और कंप्यूटर के जो पेपर है वो आप लोगों का 25 नंबर का आता है। तो ये आप लोगों की क्लासेस जो हैं, ये आप लोगों की क्लासेस जो चलेंगी, ये आप लोगों की क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी। संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, या फिर संडे को हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस, तो संडे को आप लोगों का टेस्ट कह सकते हो, टेस्ट भी हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप लोगों का ऑफ रहेगा। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, या फिर मैं कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स बताऊँगी एग्जाम से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे। तो संडे को या तो ऑफ रहेगा या फिर आपका टेस्ट हो जाएगा या फिर आप लोगों की एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये तो अपन सेट कर लेंगे, आगे क्या रहेगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। तो क्लास की टाइमिंग जो है वो आप लोगों की 1 घंटे की क्लास हो गई है टोटली, तो टाइमिंग जो है ये आपकी रहेगी
8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और 8:25 तक आप लोगों की शाम को क्लास चलने वाली है। ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, मतलब 25 मिनट की आप लोगों की क्लास चलेगी पहली, 25 मिनट की क्लास। दूसरी उसी क्लास जो है वो आप लोगों की 8:30 बजे से क्लास होगी 9 बजे तक, 9 बजे तक भी हो सकती है या फिर 8:50 या 8:55 तक आप लोगों की क्लास रहेगी। मतलब जो नेक्स्ट क्लास है वो भी आप लोगों की 20 या 25 मिनट की क्लास रहेगी, 25 मिनट तो श्योर ही है, 25 मिनट की आप लोगों की क्लास रहेगी। तो अब आपकी जो क्लासेस का टाइम है वो भी मैंने बढ़ा दिया है, 25-25 मिनट की आप लोगों की डेली 2 क्लासेस रहेंगी। उसके साथ ही टाइम जो है वो कन्फर्म हो गया है, आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसमें आप लोग कुछ खा सकते हो या अपना फ़ोन चेकआउट कर सकते हो या फिर जो चैट वगैरह है आप लोग फ्रेंड्स को से कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को। आप 5 मिनट आपके पास टाइम रहेगा तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। 5 मिनट बाद फिर से आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपकी क्लास का टाइमिंग जो हो गया है वो एक तरीके से देखा जाए तो 8 से 9 आपकी क्लास रहने वाली है, शाम को 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और रात के 9 बजे तक आप लोगों की क्लास चलने वाली है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लासेस तो डिस्कस कर ली कि कौन कौन सी क्लासेस कब कब चलेंगी, बट आप लोगों ने यहाँ पर ये ध्यान दिया हो कि मैंने कुछ क्लासेस को रिपीट कर रखा है, जैसे कि आप लोगों की वीक में मैथ की 2 क्लासेस रहेंगी। मैथ की जो है ये एक आपकी थर्सडे को क्लास रहेगी, मैथ की एक आपको थर्सडे की क्लास रहेगी आप लोगों की, और दूसरी जो है वो आप लोगों की फ्राइडे की क्लास रहेगी। तो मैथ जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, बिकॉज बिल्कुल बेस से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो मैथ के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा मैथ कैसे कवर होगी, तो मैथ जो है वो अब आपकी उसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैथ बहुत ईजी वे में आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, बहुत बेस से पढ़ाया जाएगा और सारी एक एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, अभी भी दिक्कत नहीं हो, उसके साथ ही जब आपका टैट और सी टैट हो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ की अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। साइंस भी जिन बच्चों को टफ लगती है, तो जो मैथ वाले स्टूडेंट्स थे 11th 12th में जिन्होंने मैथ ली थी उनको साइंस टफ लगती है, तो साइंस भी बहुत इजी वे में मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो आप लोगों को टफ नहीं लगने वाली। टफ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला, बिकॉज जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो आप दोबारा पूछ सकते हो, उसके साथ ही मैं बहुत ईजी वे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, साथ ही आपको उनको याद कैसे करना है या फिर उनको रिवाइज कैसे करना है सारा कुछ मैं डिस्कस करती रहूँगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो मैथ की जो क्लास है वो आपको थर्सडे को रहने वाली है और फ्राइडे को, मैथ और साइंस की क्लास आपकी वीक में 2 दिन रहेगी, थर्सडे को रहेगी और फ्राइडे को रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही आप लोगों की जो CDP की क्लास है इसका पेपर काफ़ी लेंथी होता है, तो ये क्लास आपकी मंडे को रहेगी। तो हाँ, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि मंडे को आप लोगों की यहाँ पर जो बाल विकास की क्लास है वो आपको मंडे को 2 क्लासेस रहने वाली है, एक तो बाल विकास की क्लास रहेगी, दूसरी कंप्यूटर की। तो वीक में आप लोगों की बाल विकास और कंप्यूटर की 2 क्लासेस रहेंगी, एक आपकी मंडे को रहेगी, दूसरी जो क्लास है वो आप लोगों की रहने वाली है सैटरडे को। सैटरडे को आप लोगों की बाल विकास और कंप्यूटर की क्लासेस होंगी। तो सैटरडे आपका हो गया और दूसरा यहाँ पे मंडे हो गया, 2 दिन जो है ये आप लोगों की बाल विकास और कंप्यूटर की क्लासेस रहेंगी वीक में। वीक में 2 दिन आप लोगों की बाल विकास और कंप्यूटर की क्लास रहेगी, और उसके बाद जो मैथ है वो भी आप लोगों की वीक में 2 दिन रहेगी, एक तो फ्राइडे रहेगी और दूसरी जो है वो ट्यूज़डे रहने वाली है। तो ये 2 दिन आप लोगों की मैथ की क्लास और साइंस की क्लास रहेगी, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं वेडनेसडे को, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको शिक्षण अधिगम की और संस्कृत क्लास रहेगी, ये दोनों साथ में क्लासेस होंगी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन और हिंदी की क्लास जो है, ये दोनों क्लासेस जो है ये साथ में रहने वाली हैं। तो आपने अपना जो टाइम टेबल है वो देख लिया होगा, उसके साथ ही ये टाइम टेबल जो है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर आप लिख लें ये आपकी जितनी भी क्लासेस हैं सब आपकी लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे सारी सभी सब्जेक्ट की। तो जो भी आप लोगों के डाउट हो आप मुझे तुरंत कॉमेंट सेशन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही आप अपनी क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के डीएलएड में फ्रेंड्स हो, बिकॉज हम लोग का जो टारगेट है वो 90%+ का टारगेट है जो कि हम सबको मिलके कंप्लीट करना है। तो आप लोग का टारगेट जो है वो आप लोगों को नहीं भूलना है, 90% है और किसी भी बच्चे की बैक नहीं लगनी चाहिए, ये 2 टारगेट हैं जो आप लोगों को मेरे साथ कंप्लीट करने हैं। मैं देखिए आपका सारा कुछ कंप्लीट कराऊंगी, बट आपको रिवीजन और आपको पढ़ाई आपको करनी है, आप ही आप अपने 90% लेके आएंगे, बट मैं आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी, और 90% आपको ही लेके आने हैं, बिकॉज पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मेटेरियल सारी जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको कोई ऐसी कमी नहीं होगी
जो आपको लगे कि एग्ज़ाम में आई और मैंने नहीं पढ़ाई, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम्स में आएंगी या जो आई हुई हैं। पेपर में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई है। लेकिन पाठ जो है ये सब आपको ही बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको चीज़ें देती जाऊँगी जो भी चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चलना आपको ही होगा। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई प्रॉपर करनी है। साथ ही मैं बता दूँ कि बैक बहुत ज़्यादा लगती है, तो बैक के लिए आप लोगों को पढ़ाई करते जाना है। और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर सबसे पहले ध्यान देना। जिन बच्चों का मैथ वीक है उनको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, जिनका बायो वीक है वो बायो फोकस करें। और बाल विकास सभी को पढ़नी है। बाल विकास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का कहा जाए ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बार अगर आप बाल विकास आपने पढ़ लिया ना तो आपका टेट सी टेट निकलने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला, बिकॉज ये बच्चों को लास्ट लास्ट तक समझ नहीं आता है और उनको एक्स्ट्रा कोचिंग करनी पड़ती है। तो बाल विकास जो है ये अगर आप लोगों ने समझ लिया ना अभी अच्छे से, यही आपके फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का बाल विकास पूरा टेट और सी टेट में आता है। अगला हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो एग्ज़ाम है वो किस में देना होगा, मतलब हिंदी में पेपर लिख सकते हैं हम लोग या फिर इंग्लिश में हम लोग कॉपियाँ लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को डीएलएड में जो एग्ज़ाम देना है वो आप लोगों को हिंदी में ही देना होगा, बिकॉज इंग्लिश में अगर आप दे भी देते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए पेपर बायलैंगुअल नहीं आता है, ये बात आप समझिए, पेपर केवल हिंदी में ही आएगा। अब हिंदी में पेपर आएगा तो आप अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर इंग्लिश में देते हैं तो वहाँ पर टीचर तो हिंदी वाले होंगे, मतलब जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी समझ आती है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है उनकी, तो नॉर्मल सी बात है वो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं दे सकते हैं जितने वो हिंदी में नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी में उन्हें चीज़ें दिखेंगी और जो चीज़ें आपकी सही होंगी वो सही समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। तो इंग्लिश में मार्क्स तो आपको मिलेंगे बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको हिंदी में पेपर लिखने पर मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि कॉपियाँ जो हैं वो अपनी हिंदी में ही लिखने की कोशिश करें, जिस भी क्वेश्चन को लिखें वो हिंदी में ही लिखें उनके आंसर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 90+% लाना है तो आपको हिंदी में ही पेपर देना होगा। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो और अदर बोर्ड के बच्चे हैं जो इंग्लिश में अब तक पढ़ते आए हैं लिखते आए हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस लेते रहते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको हैबिचुअल हो जाएंगे आप हिंदी की। और जो भी टफ वर्ड रहते हैं बाल विकास में वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एक्स्ट्रा, साथ ही आप लोग ऊपर नोट करते जाइए जो भी टफ वर्ड हैं। और हिंदी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको धीरे धीरे आ जाएगी, अभी पास आपके पास टाइम भी है काफ़ी सारा, कोई टाइम की कमी नहीं है। तो आपको जो पेपर है वो हिंदी में ही लिखना है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लें। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो आप लोगों किसी भी तरीके से इंग्लिश में नहीं लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर मार्क्स कम आएंगे, और मार्क्स कम आते हैं तो डीएलएड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप ये बात समझिए। इसलिए आप लोगों को पेपर जो है वो हिंदी में लिखना है। देखिए आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है, वो मार्क्स आपके बीटीसी के कहीं ना कहीं जाके ऐड होंगे तो आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने ही हैं तो फिर आप पेपर में मेहनत भी करिए, उसके साथ ही जो चीज़ें हैं उनको उन पर भी ध्यान दें। जैसे कि आप कितनी भी मेहनत करते हैं लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो 90+ आपके आ तो जाएंगे, बट आपको पता नहीं है कि आएंगे ही या नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी में देते हो और अच्छी पढ़ाई भी करते हैं तो ये श्योर है कि आपके 90% आएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो पेपर जो है वो आप लोगों को हिंदी में देना है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। उसके साथ ही सिलेबस जो है ये आप लोगों का हो गया है कम्प्लीट, ये होल सिलेबस आपका रहने वाला है। उसके साथ ही टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है इट्स ओके क्लासेस, तो यहाँ पर जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके साथ ही मैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो प्रॉपर ले रही हूँ और मैंने सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आप लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं टेलीग्राम पर, वहाँ कनेक्ट हो जाइए। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँच रहे हैं, और मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके चेकआउट कर लें, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर कितनी क्लासेस हुई हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी डिस्कस करते हैं, आज आपकी क्लास नहीं होने वाली। आज मैं ओनली आप लोगों के साथ टाइम टेबल डिस्कस करने आई थी कि आज ही आप लोगों का टाइम टेबल हो गया है और आप लोगों की ट्यूसडे से जो है वो आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। अभी आपकी मैथ की जो क्लास है वो जो ये यहाँ पे आपकी फ्राइडे को होनी थी वो फ्राइडे को नहीं होगी, मैथ की क्लास जो है वो आप लोगों की
मंडे को स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्यूसडे को स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्यूसडे से आपकी मैथी क्लास चलने लगेगी। उसके साथ ही ये आपका टाइम टेबल है जो कि मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ जाकर आप लोग अपना देख सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इस बात पे कि कब कौन सी क्लास है। जब आप एक दो दिन रहेंगे तो आपको हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास रहने वाली है। तो ये आप लोगों का टाइम टेबल हो गया है और अब आपको प्रॉपर आपकी क्लासेस मिलेंगी, पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। साथ ही आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दें वीडियोस, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। जब आपको चीज़ें पहले से पता होती हैं ना, तो वहाँ पे आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जबकि अगर आप बुक वगैरह से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। बट मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कहाँ क्या मिल रहा है, क्या इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके, तो वो अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपका जो टारगेट है आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, और यहाँ वहाँ परेशान हुए बिना, बिकॉज मैं आपका टारगेट लेके चल रही हूँ। तो मुझे जो चीज़ें हैं जब मैंने की हुई हैं, तो मुझे उस सब चीज़ों का पता है कि कहाँ कब कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वही मैं आपके साथ बता रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको परेशान ना होना पड़े, बस मैं ये चाहती हूँ। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फटाफट कल मिलते हैं। कल आपके जो क्लास है वो रहने वाली है सामाजिक अध्ययन, मतलब सोशल की कल क्लास आपकी होने वाली है। उसके साथ ही कल आपका नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि है हिंदी, तो हिंदी भी आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो जाएगी थर्सडे से। तो कल आपका थर्सडे है, कल से आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी सामाजिक अध्ययन का क्लास रहेगी सोशल की। तो कल हम लोग मिलते हैं सोशल की क्लास, कल से आपकी दो क्लासेस हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देनी है, सभी क्लासेस के नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, बिकॉज आपको आगे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज आप जब रिविज़न करेंगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी सब्जेक्ट के आप लोग नोट्स बनाते चलिए, उसके साथ ही प्रॉपर पढ़ाई करते चलिए। और अगर आज का डिस्कशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें, फटाफट लाइक कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ मोटिवेशन दें, जैसे कि आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही आप सब प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम दोनों आपस में मिलकर 90%+ का जो टारगेट है वो फुलफिल करेंगे। आई नो वेरी वेल, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, केयर करना अपनी, और इस टाइम फीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिए रहना। बाय बाय।